जय गो माता, जय गोपाल। दोस्तों, सारी सुंदर सुंदर गो माताएं देख के आप समझ गए होंगे कि हम पहुंच गए हैं भुवनेश्वरी पीठ कौंडल। आचार्य श्री घनश्याम जी महाराज आज 80 वर्ष से अधिक उम्र है, पर जिंदा दिली उनके अंदर है। नेशनल शूटर भी है और बहुत अच्छे हॉर्स राइडर भी है। इसके अलावा गायों में इन्होंने जो काम किया, ब्राजील भी इनके यहाँ सीखने आता है। आज के इस इंटरव्यू में आचार्य श्री खुद स्वयं गाड़ी चलाकर हमें गौशाला ले गए और बहुत सारी चीजें हमें बहुत गहरी बातें बताई। इनके द्वारा जो बातें आप सीख सकते हो, समय है, आप सीखिएगा जरूर और इनकी बातों को समझना जरूर। गिर गाय के बारे में अगर समझना है तो इनसे समझ सकते हैं। इनके जो आवास है फार्म पे, वहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग देखने का मौका मिला। बहुत अच्छा व्यक्तित्व है घनश्याम जी महाराज का, बहुत सरल भाव के व्यक्ति है। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना और इनकी सारी बातें समझने का प्रयास करना। इन्होंने पूरा नेशनल शूटर पिस्टल आप लोगों ने समझा नहीं का प्रॉब्लम है, नहीं है ऐसा नहीं है, पर आप उसको कैसे रख, सॉलिड है तो अब मेस्टाइटिस का प्रॉब्लम होने का ज्यादा शक्यता है। सॉलिड माने पक्का, क्योंकि जब गाय बैठती है उसका पांव उसके तन पर लगता है, टीट पर लगता है, आंचल पर लगता है, तो ये मेस्टाइटिस होता है। मेरी गवे गौशाला में रहती ही नहीं है। अच्छा, ये तो खुले में रहती है, ग्रेजिंग, चलती हुई। पर जब दूध दोने का समय हो गई तब वह गौशाला में आती है, अदरवाइज उसको पंखे की जरूरत नहीं है, एसी की जरूरत नहीं है। नेचुरल एनवायरनमेंट जी। हाँ, और थ्रू आउट द ईयर शेजवान ग्रेजिंग व्हाइल ट्रेनिंग द हॉर्सेस। आई ट्रेन हॉर्सेस 50 वर्ष से मैं ट्रेनिंग हॉर्स करता हूँ। ट्रेनर आप खुद ट्रेनर आप खुद मैं ट्रेनिंग देता हूँ हॉर्सेस को। यस मुझे हुए हैं, हिंदुस्तान में भी कई एक्सीडेंट हुए हैं, हिंदुस्तान बाहर भी कई एक्सीडेंट हुए हॉर्सेस के ऊपर हुए, कार का एक्सीडेंट हुए, मैं नहीं एक्सीडेंट। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे राइडिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। तीन बच्चे वाली गोवे हॉर्सेस वहाँ है, यहाँ ग्रेजिंग वाली है एम्प्टी। नो ग्रीन फॉर्डर, हरा चारा नहीं देंगे कोई हॉर्सेस को, नहीं, नहीं। सूखा चारा भी नहीं। हाँ, और उसको चला भी नहीं, ग्रेन्स भी नहीं, नहीं। तब खिलाएंगे हम सब चीज, जब बच्चे बड़े हो जाएंगे। फिली और वॉल्ट तो हम उसको नहीं देते, और एक गर्मी की सीजन में थोड़ा बहुत उसको खिला पड़ता है, क्योंकि इसमें अभी कोई चरने का नहीं है। तब ये एक दो महीना थोड़ा बहुत गवों को खिलाते हैं जी। ये मेरे शॉटगन रेंज है। ये रेंज है इसमें।
अब हम पहुंच गए गौशाला आचार्य श्री घनश्याम जी महाराज के साथ में और आ जानते हैं उनसे आगे क्या बात बांधी से अभी इसमें चरने का कुछ नहीं है देखे ना खाली पड़ा है सब अभी दो बारिश हो तीन बारिश हो जाएगी उसके बाद हम उसको उधर छोड़ देंगे यही पैटर्न गाय को रखने का राइट पैटर्न है आई डोंट नो मैं तो यही से रखता हूं बाबूजी गुर्जर ने बात की कि मेरी जमीन बड़ी है मैं उनको खाला कुछ नहीं दूंगा बाटा कुछ नहीं चंदा ना कुछ नहीं दूंगा खुद चले खुद पेट खुद भरेगी और शाम को दूध देगी मुझको लोग हमारे कैटल पसंद करते हैं क्यों पता नहीं देख के लगता है दूर से आप देखेंगे तो इसकी ब्यूटी अलग है देखते ही मतलब आकर्षित करती है सारे ટીના આ જયશ્રી છે ને આનો વાછડો છે જઈએ ને આપ જઈએ ને સાથ મે લેગે કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં હે ઓર્ડર બિલકુલ કોમ્પેક્ટ છે ઇસકા બહોત સુંદર હા હા उसको ग्रो होने देते हैं हम इसलिए लोग पसंद करते हैं यहाँ आजकल बड़े शेड और पक्का फर्श और वो चीजों के कारण थोड़ा सा जितना नेचुरल रहेगी तो फिर होलसेल जर्सी और इस गो में फर्क क्या है अगर ये सब सुविधा देने लगे हम तो उसको आदत हो जाएगी पंखे की आदत हो जाएगी हरे चारे की आदत हो जाएगी ये सब उसको आदत हो जाएगी क्यों करेंगे हम फिर जब ये गो दूसरे लोगों के पास जाएगी तब उसको वहाँ शूट नहीं होगा तो हम ऐसे रखते हैं रफ एंड टफ like a soldiers on a Rajasthan Pakistan border like a soldier in Rajasthan Pakistan right us tarah se rehti ekdam tough environment mein rehti hai yes to uske liye har kahin jayegi wo good hai acha hai unke liye aur abhi chara nahi hai baki to puri open grazing land hoti hai to usme hara chara kala hai ye isme abhi khalas ho gaya sukha chara bhi khalas ho gaya और फिर तो फिर थोड़ा बहुत उसको डालना पड़ता है एक दो महीना डालना पड़ता है 100 काउज है तो कितनी ग्रेजिंग लैंड लगभग 200 300 एकड़ 400 कितनी नहीं इट इज अराउंड 100 एकड़ 100 एकड़ इनफ नहीं है इससे ज्यादा चाहिए गायों को ज्यादा चाहिए इन ब्राजील में तो सक्सेस यही है कि लैंड बहुत है उनके पास इट इज ऑल अ ग्रीन बेल्ट ब्राजील में और काफी जमीन है जगह है जगह तो फिर वह लोग उसको ग्रेजिंग में रख सकते हैं और इसीलिए उनका गांवों का वजन है वह 800 किलो से शुरू होता है वेट 800 किलो शुरू होता है और यहाँ हम 350 किलो से शुरू होता है शुरू स्टार्टिंग 800 किलो यस तो प्रश्न ये नहीं उठता प्रश्न ये उठता है कि दूध गाय कितनी देती है ये इम्पोर्टेंट नहीं है क्या खा के दूध देती है इज वेरी इम्पोर्टेंट
और कैपेसिटी तो है उसमें। आप अगर इकोनॉमिकल बैलेंस डाइट दे तो अच्छा दूध देगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फीडिंग प्रॉपर हो। पहले हमारे यहाँ भी इतने वजन की गाय होती थी। हाँ, राजस्थान में काफी अच्छी गोवे होती थी और अच्छा परफॉर्मेंस भी था। और बेस्ट मेन पॉइंट इज द ब्रीडिंग। आप ब्रीडिंग कैसे करते हैं, बुल का कौन सा उपयोग करते हैं, वैसे लॉन्ग प्रोसेस। मगर आजकल इसके बारे में कोई सोचता नहीं है तो फिर क्या होगा। रिकॉर्ड में ब्रीडिंग में मेन रिकॉर्ड मेंटेनेंस, बूट सिलेक्शन, ब्रीडिंग इम्प्रूवमेंट गौओं का अगर करना है तो फर्स्ट इज ब्रीडिंग, सेकंड इज फीडिंग, थर्ड इज मैनेजमेंट। आप तो 1960 उस समय से रिकॉर्ड मेंटेन। हाँ, मेरे पास यस 60s की गौएं हैं मेरे पास। उसमें रिकॉर्ड मेंटेन है। हाँ यस। कोई भी आता है तो बीपी की गाय है तो उसको पुराना रिकॉर्ड देख सकता है। यस यस, वी कैन गिव इट। रिकॉर्ड होना जरूरी है। यस, रिकॉर्ड मेन इंपोर्टेंस है सबसे बड़ी। उससे ही फिर आप प्रूवन और चीजें सारी हो जाती है। मेरी गौएं लोग पसंद करते हैं, मेरे बुल पसंद करते हैं क्योंकि उसका फिनोटाइप कैरेक्टर देखा हो के गुण दिखते हैं, बहुत सुंदर ट्रू टू टाइप एनिमल है, दिखने में अच्छा है। हां, ब्यूटी और कॉम्पैक्ट भी, और दूसरा ऐसे एनवायरनमेंट में रहती है जो कठिन है। इतनी बड़ी नहीं है जिससे जब वो उम्र वाली हो तब वो कमजोर दिखे। हार्ड एनवायरनमेंट भी है। हां यस, इतनी गर्मी अभी, नाउ इट्स लाइक 40। यस, 40-41 में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसे। मेरी गोवा में कोई प्रॉब्लम, वहाँ एक भी पंखा नहीं है। 45-48 में भी इजीली खड़ी है। हाँ, वहाँ कोई पंखा नहीं है। जब भी आदमी खड़े में दिक्कत होती है। जी। 82 में आप भी खड़े हैं, 82 में आप। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रेट सर। जितना टफ एनवायरनमेंट हो उतना रखोगे उतना गाय अच्छी रहती है। जितना पसीना हो इतना अच्छा है, ताकि उसमें टिक्स वगैरह, क्या बोलते हैं आप, टिक्स और चिचड़, हाँ चिचड़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। जितना पसीना होगा तो हम इसे ऐसे ही रखते हैं। किसी को कभी भी ये चिचड़ का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। नहीं, नो डाउट एट ऑल। फर्स्ट जब आपने ब्रीडिंग शुरू की उस समय आपकी एज, मतलब जब फर्स्ट आपने किया काय, क्या मैं 25-30 साल का था, 25 का था। तो आपका उस समय आप प्रेरणा या किससे आपको? मैं फादर, हमारे यहाँ पे गोमे थी वही 1910 से। तो आपका जो गायों के प्रति, घोड़ों के प्रति शौक है वो? और ये मेरा प्रोफेशन नहीं है, शौक है। प्रोफेशन इज आयुर्वेदा। I was physician, I'm an honorary Ayurvedic physician to many governors. But horse or cows may be aap sare government. Yes. Tabhi mein aap. Great. Thank you sir. Jai Gomata. Thank you. Mere khayal se ek, be, teen governor, चार गवर्नर कांग्रेस के थे। अच्छा। और दो गवर्नर मेरे ख्याल से ये बीजेपी के थे। 2013 से पहले पहले सब बीजेपी, कांग्रेस के गवर्नर आए हुए हैं। ये नवल किशोर शर्मा राजस्थान का था। ये है राजस्थान के थे? तो राजस्थान के थे ये। हाँ, ये भी वही यहाँ आके मेरे यहाँ मैं बस। One is his highness Jodhpur, Gajri ji, he visited me, and Purushottam Rupala also visited me.